तो रामघाट के सब गुंडे हैं, ये सब मिल करके मेरे घर में आज सुबह 25 से 30 लोग हमला किए। विजय यादव और रमेश यादव मार मार के हथे से और पिस्टल से, और मेरे चाची को गोली लग गया। कुछ लोग हमलावर इनके घर में आ गए हैं और इनके हाथ मारपीट करी है, कुछ फायरिंग की भी की। आपस में जो इनका वर्चस्व की लड़ाई है, पहले भी एक दो बार देखिए, एक ये घटना है थाना क्षेत्र दशाश्वमेध के मीरघाट एरिया में, जो विजय यादव और रमेश यादव जो टोटल 6 भाई हैं, उनका पूरा परिवार वहाँ रहता है और उनके परिवार में उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे हैं। ये हमारे पास सूचना आई थी पुलिस के पास कि कुछ लोग हमलावर इनके घर में आ गए हैं और इनके हाथ मारपीट करी है, कुछ फायरिंग की भी सूचना मिली थी। तत्काल वहाँ पे हमारा फोर्स पहुँचे, हम लोग सारे सीनियर अधिकारी पहुँचे, आसपास के थाना क्षेत्र के लोग भी पहुँचे हैं, और जो लोग घायल थे उनको इलाज के लिए सकुशल, पहले हम लोगों की प्राथमिकता थी उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाना, वो कराया गया। अभी जानकारी के अनुसार टोटल ये जो घर के लोग हैं, इसमें 6 लोग हैं, जो सभी लोग अभी खतरे से बाहर हैं, कोई बहुत बड़ी उसमें इंजरी किसी के नहीं है, एक छोटा बच्चा भी है वो भी ठीक है, सभी की हालत स्थिर है। और एक व्यक्ति को मौके से पकड़ लिया गया था, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया, बाकी उनके साथियों का आइडेंटिफिकेशन चल रहा है, उनकी भी हम लोगों ने जानकारी कर ली है और जल्द से जल्द उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही साथ जो परिवार है उनकी तरफ से हम लोग तहरीर ले रहे हैं और गंभीर धाराओं में इसमें मुकदमा लिखा जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये लगभग जो हमारे पास सूचना आई थी लगभग 1 बजे के आसपास आई थी, तो उसके आसपास की ये सूचना है और घटना है, और अभी परिवार की तरफ से हम लोग तहरीर प्राप्त कर रहे हैं और मुकदमा लिखाया जा रहा है इसमें। देखिए, विवाद जो उसका मुख्य कारण है, वो अभी परिवार के लोगों से हम लोगों ने बात करी है और जो मोटा मोटी पता चली है कि आपस में जो इनका वर्चस्व की लड़ाई है, पहले भी एक दो बार ये पता चला है कि लड़ाई झगड़े की सूचनाएं मिली हैं और मुकदमे भी हुए हैं, तो उसकी भी जानकारी की जा रही है किसके ऊपर क्या मुकदमे हैं। जो भी होगा हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे, इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन चूंकि वो मोहल्ला है और वहाँ घाट है, ये लोग जैसा आसपास के लोगों ने बताया कि घाट की तरफ से, नदी की तरफ से आए, वहाँ के कैमरे भी हम लोग चेक करवा रहे हैं और अगर वहाँ पुलिस नहीं थी तो वो भी हम लोग देख रहे हैं, और आगे से वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी, अभी उनके घर के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था भी कराई जाए। मैं सुबह में यादव, ये सुबह का समय था, ये अंकित यादव, गोविंद यादव और शिवम और उसका भाई शोभित, 5-6 सब उधर रामघाट के सब गुंडे हैं, ये सब मिल करके मेरे घर में आज सुबह 25 से 30 लोग हमला किए और वहाँ पे आकर के मेरे घर में कई राउंड इन लोग फायरिंग किए। फायरिंग करने के बाद जब मेरे घर वाले निकले तो मेरे मम्मी को, मेरे चाची को, मेरे भतीजे को, सबको इन लोग घायल किए, मार मार के हथे से और पिस्टल से, और मेरे चाची को गोली लग गया, और गोली लगा फिर उसके बाद ये लोग भाग रहे थे तो फिर बाद में हम लोग निकल के पूरा गली के लोग सब लोग मिल के उसको पकड़े हैं। पकड़ने के बाद फिर पुलिस आई तो हम लोग को सबको ले करके आई यहाँ पे। नहीं, ऐसा कोई दुश्मनी नहीं था, मेन इसमें अंकित यादव है, सब कुछ इसमें कराता रहा, और ये कॉरिडोर का मेन मामला है, कॉरिडोर में ये लोग गुंडा टैक्स उतारते रहे, गोविंद नाम है, गोविंद यादव, ये गुंडा टैक्स उतारता रहा कॉरिडोर में, अंकित यादव, ये लोग सब लोग मिल के ये लोग पूरा पैसा लेके जाते रहे, जो लड़के पैसा नहीं देते रहे इन लोग डेली उस सबको मारते थे, ये लोग डेली वहाँ पर गुंडागर्दी करते थे, वो माला फूल का कमाई होता रहा, डायरेक्ट दर्शन मंदिर में लेके जाते रहे, वो सबका क्या नाम से ये लोग पैसा उतारते थे। हम लोग से विवाद इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे मेरा भाई चिकू रहता है, चिकू को हम लोग समझाए, अलग किए, तो फिर उसके बाद ये सब कहे कि अब जब इन लोग कहें कि कोई पैसा ऐसा नहीं देगा।